यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बड़ी खबर, उत्तराखंड में आज इगास की धूम। दीपावली के बाद ग्यारहवें दिन ये पर्व मनाया जाता है, यानी कि इगास त्योहार मनाया जाता है। और कई मंत्री इस बार इगास मनाने के लिए अपने पैतृक गांव में पहुंचे। राज्य मंत्री रेखा आर्य, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, सांसद अजय भट्ट अपने पैतृक गांव में इस बार इगास का ही पर्व मनाएंगे। पहाड़ी कनेक्ट व एबीपी गंगा के साथ आप मना सकते हैं इगास का पर्व शाम 5:30 बजे नगर निगम परिसर देहरादून में। शाम 5:30 बजे ये वक्त आप नोट कर लीजिए, शाम 5:30 बजे। और लोकेशन है, जगह है नगर निगम परिसर देहरादून, जहां पर इगास पर्व आप एबीपी गंगा के साथ मना सकते हैं। दरअसल मुहिम बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी लगातार चलाते आ रहे हैं। पिछले साल भी इस तरह के मूवमेंट उन्होंने चलाया, इस तरह की मुहिम चलाई कि इगास पर एक दिया अपने गाँव में अपने घर में जलाएं। हालांकि फिर वो अस्वस्थ हो गए थे, लेकिन इस बार सभी से वो अपील कर रहे हैं। इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर इसको मनाने की तैयारियां भी हैं। तो इगास पर्व में कई तरह की कहानियां हैं। इगास पर्व को लेकर कहा जाता है कि भगवान राम जब वापस अयोध्या लौटे वनवास खत्म करके, तो इसकी सूचना 11वें दिन उत्तराखंड वासियों को मिली। इसके साथ साथ एक और कहानी जुड़ी हुई है, और ये कहानी जुड़ी हुई है माधव सिंह भंडारी से जुड़ी हुई, कि जो तिब्बत को जीत कर वापस लौटे, तो उनके जितने भी विरोधी थे उन्होंने इस तरह की खबरें फैला दी कि माधव सिंह भंडारी नहीं रहे, लेकिन जब वो लौटे तो फिर लोगों ने खुशियां मनाई और भैलो खेला जाता है। भैलो यानी कि चीड़ की लकड़ियों को काट कर एक गठरी से बनाई जाती है, रस्सी से बांधकर कई तरह के कर्तव्य करते हैं युवा, इसको मनाते हैं धूमधाम से, और इसके पीछे दूसरी धार्मिक मान्यताएं भी है। तो इगास पर्व की धूम बगवाल मनाई जा चुकी है, और अब इगास पर्व की धूम 11वें दिन ये इगास पर्व मनाया जाता है, और कई तरह की किंवदंतियां हैं इगास पर्व के पीछे। कई मंत्री भी इस बार इगास पर्व अपने घरों पर पैतृक घरों में मनाएंगे। और इस खबर पर रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। रवि, इगास पर्व की धूम, क्या कुछ तैयारियां देहरादून में, क्या कुछ कार्यक्रम आज पूरे उत्तराखंड में होने वाले हैं, और एबीपी गंगा के साथ कैसे जुड़ सकते हैं लोग, ये भी आप दर्शकों को बताएं। जी देखिए राजीव, आज तमाम कार्यक्रम है, क्योंकि उत्तराखंड में पूरी जो बूढ़ी दीपावली है उसको आज मनाया जा रहा है, और तमाम कार्यक्रम रखे गए हैं। हालांकि जो बड़े कार्यक्रम है वो नहीं है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है। और इसके साथ ही आज जो देहरादून में कार्यक्रम है उसमें मैं बता दूं कि आज देहरादून में पहाड़ी कनेक्ट और एबीपी गंगा मिलकर ही भैलो कार्यक्रम जो है इगास के इस अवसर पर रखा है, जिसमें की नगर निगम देहरादून में होगा, जहां पर की तमाम जो भैलो होता है उसको आज खेल सकेंगे। और उसके साथ ही जो परंपरा है इगास की, इस पूरी परंपरा आज देहरादून में कार्यक्रम में देखने को मिलेगी। रवि, क्या केंद्र से कोई बीजेपी का बड़ा नेता पहुंच रहा है, क्योंकि पिछले बार हमने देखा कि अनिल बलूनी ने इस तरह की एक मुहिम चलाई थी, हालांकि वो अस्वस्थ थे, तो संबित पात्रा पहुंचे, तो इस बार कौन आ रहा है, क्या कोई आ रहा है? देखिए इस बार भी ये माना जा रहा था कि अनिल बलूनी यहाँ पर पहुंच सकते हैं, लेकिन उनका भी स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है और वो इस वजह से यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इसके साथ ही जिस तरीके की पूरी मुहिम है, अगर हम उससे बात करें, तो चाहे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे हो, चाहे इस बार जो है रेखा आर्य हो, या फिर सांसद अजय भट्ट हो, ये तमाम लोग हैं जो अपने पैतृक गाँव में इस बार इगास मनाने आ रहे हैं। कुछ लोग पहुंच गए हैं, कुछ लोग आज पहुंच जाएंगे, तो तमाम लोग आज अपने पैतृक गांव में इगास मनाएंगे, ये मुहिम रहेगी लोगों की। और इसके साथ ही सभी के लिए ये कहा गया है कि जो भी अपने पैतृक गांव में जाए वहां पर इगास मनाए। जी जी रवि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।